जय हिंद। एक ट्रक बिहार के बक्सर की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, तभी उसे एक चौकी पर रोका जाता है और वहां पर पुलिस वाले कथित तौर पर उससे उगाही के लिए 500 रुपए मांगने लगते हैं। अब जैसे ही पैसे मांगे जाते हैं, ट्रक से दो लोग नीचे कूदते हैं जो कि सादे कपड़ों में होते हैं और वो पुलिस वालों को और साथ में जो दलाल पैसे मांग रहे थे उनको पकड़ लेते हैं। इतनी ही देर में पीछे से सादी वर्दी में कुछ और लोग आते हैं और वो इन सब लोगों को जकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। अब ये सब कुछ हो क्या रहा था? दरअसल बाद में पता चला कि जो लोग ट्रक से नीचे कूदे थे उनमें से एक पुलिस का ADGP था और दूसरा व्यक्ति पुलिस का DIG था, यानी कि ADGP और DIG ने पुलिस वालों पर रेड की थी। इस रेड में इमीडिएटली दो पुलिस वालों को अरेस्ट कर लिया गया, इसके साथ ही दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया और भी कई बड़ी कार्रवाइयां हुई। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपना कॉमेंट करना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। ADG पीयूष मोडिया को काफी समय से जानकारी मिल रही थी कि बलिया जिले के नरही थाने में बड़े स्तर पर उगाही की जा रही है, बड़ी संख्या में वहां से रोज ट्रक गुजरते हैं, तकरीबन 1000 से ऊपर ट्रक वहां से गुजरता है और हर ट्रक वाले से 500 रुपए लिए जाते हैं, जिसका मतलब है कि रोज के 5 लाख रुपए की उगाही वहां पर हो रही है। ये जानकारी ADG को मिलती है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक DIG भी इसी तरह की जानकारी ADG साहब को दे देते हैं। अब इसके बाद ADG साहब रेड करने का एक प्लान बनाते हैं और DIG वैभव कृष्ण को भी इसके बारे में आदेश दिया जाता है। DIG को आदेश दिए जाने के बाद 3 स्पेशल टीम्स का गठन कर दिया जाता है। अब ये जो स्पेशल टीम्स का गठन किया गया था वो ऐसे किया गया जैसे विजिलेंस, CID, CBI, NIA की टीमें सादी वर्दी में रेड करती हैं, तो वैसी ही रेड ये भी होने वाली थी। जितने भी टीम के मेंबर थे वो सादी वर्दी में जाकर रेड करने वाले थे। अब रेड के लिए जगह आइडेंटिफाई की गई, नरही थाना क्षेत्र में कोरंटा डीही चौकी और भरोली चौकी का एक रेकी वहां पर जाकर की गई। वहां पर जाकर देखा गया कि किस तरह से ट्रकों से उगाही हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही है, किस तरह की स्ट्रेटेजी वहां पर अख्तियार की जा रही है। अब लगभग 3 से 4 बार जाकर वहां पर रेकी की गई सादी वर्दी में और उसके बाद फिर आया फाइनल दिन। ADG पीयूष और DIG वैभव कृष्ण अपनी 3 टीमों के साथ रवाना हो जाते हैं बिहार के बक्सर के रास्ते में पड़ने वाली इन 2 चौकियों के लिए। अब जैसे ही वो निकलते हैं अपनी गाड़ियों में तो वो चुपचाप वहां से निकलते चले जाते हैं सादी वर्दी में। वो कोरंटाडी चौकी से निकलते हैं, भरौली चौकी से निकलते हैं और उसके बाद बिहार में एंटर कर जाते हैं और बक्सर में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर पुल के पास गाड़ी को कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक रोक दिया जाता है। अब वहां पर फिर फाइनल एक्शन की तैयारी की जाती है कि किस तरह से अब रेड की जानी है। एक बार फिर से सभी को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और सभी पुलिस वाले पूरे एक्शन के मोड में आ जाते हैं जिन्हें सादी वर्दी में अब एक्शन करना था। अब इसके बाद एक ट्रक जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ एंटर कर रहा होता है उसको रुकवाया जाता है। उसे ज्यादा कुछ कहे बिना ADG पीयूष और इसके साथ ही DIG वैभव कृष्ण सादी वर्दी में उस ट्रक में बैठ जाते हैं और उसे लालच देते हैं कि आगे जो आपसे पैसा लिया जाना है, अगर हम आपके ट्रक में बैठे रहेंगे तो पैसा नहीं लिया जाएगा। ट्रक वाले को भी ये बात अच्छी लगती है, उसे लगा कि शायद पुलिस में सिपाही होंगे या दारोगा होंगे इसलिए शायद पैसे ना लगे। अब ट्रक वाला सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंटर करता है भरौला चौकी आती है, वहां पर कुछ पुलिस वाले जो सिपाही हैं वो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इसके साथ ही कुछ लोग सादी वर्दी में जो कि दलाल हैं वो सभी ट्रक वालों से 500-500 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। इसी तरह से इस ट्रक वाले का नंबर आता है, उससे 500 रुपए मांगे जाते हैं। वो कहता है कि सर हम पीछे भी पैसे देकर आए हैं, अब आपको और कितने पैसे देंगे। दलाल कहता है कि पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इतने में ट्रक से दो लोग नीचे की तरफ कूदते हैं, इनमें एक ADG
और दूसरे डीआईजी साहब जो कि सादी वर्दी में थे, वो इस दलाल को पकड़ लेते हैं। अभी तक दलाल को कुछ नहीं पता कि ये कौन है, उसे लगा कि शायद बदमाश है। इतने में पीछे से काफी बड़ी संख्या में सादी वर्दी में लोग भाग कर आते हैं और वो भी इस दलाल को और कुछ सिपाहियों को पकड़ लेते हैं, अपनी हिरासत में ले लेते हैं। अब जैसे ही डीआईजी और एडीजी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। पुलिस वालों को जैसे ही पता चलता है, पूरा हड़कंप मच जाता है। कुछ पुलिस के सिपाही तो इस रेड के दौरान वहां से भागने में कामयाब भी रहे और धीरे से यह खबर पहुंच गई बलिया के थाने में। अब एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो पुलिस के थे और डीआईजी, इनके द्वारा जो रेड की गई थी वो इतनी गुप्त थी कि जो बलिया के एसपी थे उनको भी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। अक्सर अगर कोई रेड किसी पुलिस वाले पर की जानी होती है तो उसके लिए सुपरिटेंडेंट पुलिस को पहले बता दिया जाता है, मगर इस रेड को इतना कॉन्फिडेंशियल रखा गया कि एसपी को भी किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। और जिस समय ये रात को रेड चल रही थी, उसी समय दारोगा साहब थाने में बैठकर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जो पैसे की उगाही होती है उसे गिन रहे थे। अब जैसे ही दारोगा साहब को पता चला, वो भी भाग निकले। इसके साथ ही कई सिपाही कोतवाल वहां से भाग निकले ताकि एडीजी और डीआईजी साहब हमें अरेस्ट करने के लिए यहां पर ना पहुंच जाएं। फाइनली इस रेड के दौरान दो सिपाही और 16 दलालों को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया और नरही के जो दरोगा साहब हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोरंटा डीह चौकी के जो प्रभारी हैं उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद एक केस रजिस्टर किया गया। अब दरअसल ये सब कुछ हो क्या रहा था, क्यों एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डीआईजी को खुद जाकर रेड मारनी पड़ी? अब जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बलिया के नरही थाना क्षेत्र में ये दोनों चौकियां आती हैं और यहां से ट्रकों को होकर गुजरना पड़ता है। 500 रुपए एक जो ये बैरियर है वहां पर कथित तौर पर उगाही की जाती है हर ट्रक वाले से। 1000 ट्रक वाले से 500 रुपया अगर रोज की उगाही हो तो 5,00,000 रुपए की जो उगाही है वो रोज की जाती थी। अब ये जो पैसा है, एक डेयरी जो मिली है उसके मुताबिक कथित तौर पर ये पैसा इतना ज्यादा बड़ी संख्या में बटता था कि लोग रातों रात लखपति बन जाया करते थे। सिपाही को एक ही रात का 10,000 से 15,000 रुपया मिल जाया करता था। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक दरोगा को एक ही रात का 25,000 रुपया मिल जाया करता था। इसके साथ ही डीएसपी साहब को कितना पैसा जाना है, एएसपी को कितना जाना है और कप्तान तक कितना पहुंचना है रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक, वो भी इस डायरी में लिखा हुआ था। जिसके बाद ये बड़ा एक्शन पुलिस के एडीजी और डीआईजी ने किया। अब ये एक्शन होने के बाद एक एफआईआर रजिस्टर किया गया भारतीय न्याय संहिता, जिसने कि आईपीसी को रिप्लेस किया है, उसकी धारा 111, 309, 310, 61, 318, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और बीएनएस की धारा 13 के तहत मुकदमा रजिस्टर किया गया। अब ये धाराएं क्या है ये आपको समझा देता हूं। भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 111 है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए लगाई जाती है। इसमें भी ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही था जो पुलिस वाले दलालों के साथ मिलकर कर रहे थे। इसमें डेथ सेंटेंस भी हो सकता है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है और साथ में जुर्माना जो कि कम से कम 10,00,000 रुपए का होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 के सबसेक्शन 4 की अगर बात करें तो उसमें 7 साल तक की सजा होती है और साथ में जुर्माना होता है। जो भी रॉबरी की कोशिश करेगा उस पर यह धारा लगाई जाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 सबसेक्शन 2 में जो भी व्यक्ति डकैती करेगा उस पर यह धारा लगाई जाएगी। इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद या फिर 10 साल की सजा होती है और साथ में जुर्माना होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 सबसेक्शन 2 वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक साजिश के लिए लगाई जाती है। इसमें 2 साल से अधिक की सजा वाले अगर कोई क्राइम को किया जाता है और कुछ लोगों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा गया है तो उसमें हर व्यक्ति को उतनी सजा मिलेगी जैसे उसी ने ये काम पूरी तरह से किया हो। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत धोखा देने यानी चीटिंग करने के लिए 5 साल की सजा या जुर्माना या दोनों होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत 7 साल की सजा और साथ में जुर्माना होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 13 के तहत जो प्रावधान है वो ये है कि इनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अगर किसी व्यक्ति को पहले कन्विक्शन हो रखी है तो कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब कुल मिलाकर इस मामले को देखकर साफ तौर पर यह समझ में आता है
कि अगर कोई भी व्यक्ति नैतिकता से परे हटता है, ईमानदारी का रास्ता छोड़ता है, तो उसे एक ना एक दिन कानून के हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। जय हिंद।